छतरपुर जिले की नगर पालिका नौगांव के पूर्व उपाध्यक्ष सावंत सिंह परमार ने कलेक्टर को एक शिकायती आवेदन देते हुए नौगांव नगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान के प्रचार प्रसार में खर्च की गई राशि की जांच की मांग की है। श्री परमार का आरोप है कि दीवारों में पूर्व में की गई पेंटिंग को नई पेंटिंग दिखाकर नगर पालिका द्वारा 5 लाख रुपये हड़प लिए गए। उन्होंने शिकायती आवेदन में बताया कि स्टेडियम की दीवार, टचिंग ग्राउंड तथा शमशान घाट की बाउंड्री में गत वर्ष लिखी गई प्रचार सामग्री में अंकित 2022 को 2023 लिखकर नया बनाया गया है। इन तमाम बिंदुओं की जांच की जाए। ये स्वच्छता अभियान के तहत एक आवेदन दिया है नौगांव नगर पालिका के संबंध में, और ये शिकायत करना इसलिए आवश्यक हो गई थी कि स्वच्छता अभियान के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एम्बेसडर हों और जिसको स्वयं प्रधानमंत्री खुद अपने निर्देशन में पूरे देश में स्वच्छता अभियान को चला रहे हैं, और नौगांव नगर पालिका ने विगत 8-9 माह पहले प्रेसिडेंट एंड काउंसिल की बैठक में वॉल पेंटिंग के संबंध में एक बजट 5 लाख रुपए का बजट पास किया था। आज 8-9 माह हो गए हैं, पूरे शहर में वॉल पेंटिंग का काम तो नहीं किया गया, लेकिन ये देखा गया है ख़ास तौर से जो शमशान घाट की बाउंड्री वाल है, स्टेडियम की बाउंड्री वाल है, और टचिंग ग्राउंड जो केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत नौगांव नगर पालिका में पिछले 2-3 वर्षों से उसमें बहुत बड़े अभियान के तहत कार्य चलाया जा रहा है, वहाँ की वॉल पेंटिंग जो है वो पुरानी है और 2022 की जगह उसमें केवल 2 की जगह 3 भर बनाया गया है 2023 में, और वॉल पेंटिंग जो है वो 2022 और 21 की है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि या तो जो 5 लाख की राशि है नगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा उस राशि का को हड़पने का प्रयास है, या वो राशि हड़प ली गई है, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और ये जांच का विषय इसलिए भी है कि कहीं ये खेल पूरे ज़िले की नगर पालिकाओं में तो नहीं चल रहा है। तो मैं चाहूँगा, मैंने आज कलेक्टर महोदय साहब को एक आवेदन दिया है जन सुनवाई के माध्यम से कि इस पर पूरी निष्पक्षता से इसकी जाँच की जाए, तो तत्काल जाँच कराई जाए और जो भी दोषी अधिकारी हों उनको दंडित किया जाए।